अस्सलामुअलैकुम फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी हलवाई स्टाइल बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरह से आप अपने घर पर बिल्कुल हलवाई स्टाइल और खस्ता से बेसन के लड्डू घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। और इतने मज़े के ये बेसन के लड्डू बनेंगे कि आप सबका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें एक कप हम पानी डाल देंगे और साथ ही दो कप चीनी हम इसमें डाल देंगे। वीडियो को आप सबने पूरा ज़रूर देखना है स्किप किए बगैर। अगर आपने वीडियो का कोई पार्ट भी मिस कर दिया तो आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हम बेसन के लड्डुओं के लिए चीनी का बूरा तैयार कर रहे हैं। ये जो चीनी का बूरा हम तैयार कर रहे हैं, इसे हम सिर्फ बेसन के लड्डुओं में ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ये बहुत सारी और दूसरी मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी तैयारी में हमने सिर्फ पानी और चीनी को ही इस्तेमाल करना है और कोई चीज़ हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस हमें इसमें साथ साथ स्पून को चलाते रहना है और इसे साथ साथ चेक करते जाएंगे। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप किसी एक प्याली में थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें इसके दो तीन ड्रॉप्स डाल दें। अगर तो ये पानी में जम रहा है तो इसका मतलब है कि ये तैयार हो गया है, या फिर आप इसे उंगली पर लेकर भी चेक कर सकते हैं। उंगली पर अगर ये जम रहा है और इसकी गोली बन रही है तो भी ये तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसे उंगली पर चेक किया है, ये गाढ़ा हो चुका है और ये जमने भी लग रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा शीरा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हमने इसे ठंडा करना है। उंगली पर लेते हुए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो बहुत एहतियात के साथ इसे आप चेक कीजिए। अब हमने इसके नीचे जो हमने फ्लेम ऑन किया हुआ था उसे हमने बंद कर देना है। साथ ही हमने इसमें देसी घी का 1 टेबल स्पून शामिल कर देना है। देसी घी मैं घर का बना हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे चैनल पर इसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये हमने इसमें इसलिए शामिल किया है कि ये बूरा जो हम बना रहे हैं वो बिल्कुल बारीक सा बने, क्योंकि बेसन के लड्डुओं में जो हम चीनी का बूरा इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल बारीक और पाउडरी फॉर्म में होता है, बिल्कुल भी ज़्यादा मोटा और दानेदार नहीं होता। बारीक बूरा जब होगा तभी हमारे बेसन के लड्डू अच्छे बनेंगे, वरना बहुत मोटे बूरे के साथ दांतों में आता हुआ बेसन के लड्डू में अच्छा नहीं लगेगा। हमने बस सिंपली इसे ठंडा करना है। तो जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा तो ये जमने लगेगा। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है, यानी कि ये जमना शुरू हो गया है। बस हमने इसमें मुस्तकिल साथ साथ चमचे को चलाते रहना है। अगर हम इसमें स्पून नहीं चलाएंगे तो ये मोटी मोटी गुठलियाँ बन जाएंगी और हमारा बूरा अच्छा नहीं बनेगा। इसकी तैयारी में तकरीबन हमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट तक हमने इसमें मुस्तकिल स्पून को चलाते रहना है, जब तक ये पाउडरी फॉर्म में और वाइट कलर का नहीं हो जाता। तो जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये जमना शुरू होता जाएगा, और इस मौके पर हमने इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये सारे का सारा कढ़ाई के अंदर जम जाएगा, फिर हम इसमें एक स्पून भी नहीं हिला पाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत तो इसमें हमें करनी ही पड़ेगी अगर हमें अच्छे और ज़ायकेदार बेसन के लड्डू चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये ठंडा हो गया है आहिस्ता आहिस्ता ये पाउडरी फॉर्म में आने लगा है, यानी कि हमारा बूरा बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। तो जी यहाँ पर हमने बहुत ही फाइन सा और बारीक सा बूरा तैयार कर लिया है, जिन्हें हम आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि वो भी बहुत ही अहम है। यहाँ पर मैं 1/4 कप घी का ले रही हूँ। यहाँ पर मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप वनस्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसे घी में ही बनाइएगा, ऑयल में नहीं बनेंगे ये। तो इसे ज़रूर घी में ही बनाइएगा, और अगर आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो 1/4 कप हमने देसी घी का लिया है और 3 कप मैं यहाँ पर बेसन के ले रही हूँ। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें बेसन डाल देंगे और इसे अच्छे से इसमें भूनना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप बता देती हूँ, जिससे कि हमारे बेसन के लड्डू बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो हमने इसमें जो घी का इस्तेमाल किया है वो हमने 1/4 कप लिया है और 3 कप हमने इसमें बेसन का लिया है। तो बेसन के मुकाबले में हमने घी को कम रखा है। ख़ास तौर पर इसकी भुनाई के वक्त हमने घी को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर हमने इसमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया
तो हमारे बेसन के लड्डू खस्ता तो नहीं बनेंगे, गीले गीले से हमारे ये लड्डू बनकर तैयार होंगे, जो कि बिल्कुल भी टेस्ट में और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो खस्ता लड्डुओं के लिए ये ज़रूरी है कि हमने इसमें घी की क्वांटिटी को बेसन के मुकाबले में कम रखना है। तो बेसन की भुनाई हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अगर हम बेसन को कच्चा उतार लेंगे तो लड्डुओं में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, या दूसरी सूरत में बेसन को अगर हम ओवर कुक कर देंगे या थोड़ा सा जला देंगे तो उससे भी हमारे बेसन के लड्डुओं का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो ये जानने के लिए कि हमारा बेसन कब और किस तरह से लड्डुओं के लिए तैयार होगा, सबसे पहली निशानी ये अपना कलर चेंज करेगा, सेकंड इसमें से बहुत बेहतरीन सी खुशबू आने लगेगी, और तीसरा ये जुड़ने लगेगा यानी घी छोड़ देगा। और यहाँ पर हमारी तीनों ही निशानियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसे फ्लेम पे से उतार कर ठंडा कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारा बूरा भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें जो बेसन हमने भुना था वो भी ठंडा हो चुका है, उसे हम इसमें सारा के सारा डाल देंगे। तमाम बेसन हमने इसमें डाल दिया है, और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तमाम बेसन और बूरे को हमने अच्छे से मिक्स करना है। तमाम छोटी छोटी जो इसमें ज़रा ज़रा सी गुठलियाँ भी हुई तो उन्हें भी हम हाथ की मदद से तोड़ लेंगे। तो जब तक हम यहाँ पर इन्हें मिक्स कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जी यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा लड्डू बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम थोड़ा सा अमाउंट मुट्ठी में भरेंगे और इसे दबाकर अच्छे से एक जगह कर लेंगे। अब हम हाथों की मदद से दबा दबा कर इसे गोल शेप में ले आएंगे, यानी लड्डू की शेप में इसे बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे बना लिया है, और ये बहुत ही आसानी से हमारे लड्डू की शेप में आ गया है। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत इसका कलर और किस कदर शानदार ये देखने में लग रहा है। बस इसी तरीके से हमने बाकी के तमाम बैटर के भी लड्डू बना लेने हैं। तो जी यहाँ पर हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार से हमने ये घर पर ही लड्डुओं को बनाया है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, और वीडियो देखने के बाद लाइक तो ज़रूर कर लिया कीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।